स्पीकर सर, मैं स्वास्थ्य मंत्री जी से जानना चाहूँगा कि जैसा कि इन्होंने बताया कि 941 कैंडिडेट उनको अपॉइंटमेंट लेटर दिए गए और 808 ने ज्वाइन भी कर लिया, इसमें जो 133 बच्चे हैं जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया, उसमें भी आप कह रहे हैं कि हमने उनको भी लेटर्स आगे दिए हैं, वो भी ज्वाइन कर लेंगे। बड़ी अच्छी बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि बड़ी संख्या के अंदर डॉक्टर ने ज्वाइन किया है। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहूँगा कि भाई इनमें स्पेशलिस्ट डॉक्टर जो है वह कितने और सिंपल MBBS कितने, ये मैं जानना चाहता हूँ। और दूसरा पॉइंट मेरा ये है कि जो पेपर आप लोगों ने लिया था डॉक्टर्स की अपॉइंटमेंट के लिए, जो पहले पेपर हुआ, उसमें परसेंटेज कहाँ तक गई है? स्पीकर सर, ये क्वेश्चन आपने, वो कोई बात नहीं स्पीकर सर, हमारी जो प्रेजेंट मेडिकल ऑफिसर्स 3073 काम कर रहे हैं, जबकि वैकेंसी हमारी सेंशन 3903 है, थोड़ा सा ही असर है, हम उसको भी पूरा करेंगे। और 167 डॉक्टर हमें NHM ने दिए हुए हैं। जो इन्होंने स्पेशलिस्ट की बात कही है, तो उसमें आज की तारीख तक सिर्फ MBBS डॉक्टर भर्ती किए जाते थे और उसमें जो स्पेशलिस्ट आ जाते थे, हम उनको स्पेशलिस्ट का काम देते थे। मैंने अब स्पेशलिस्ट का सर कैडर अलग बना दिया, अलग से उनकी भर्ती होगी, अलग से उनके सर्विस रूल हमने बनाए हैं। और हम, आप जानते हैं, मैंने पिछले सदन में भी बताया था कि हरियाणा पहला प्रदेश है जो मेडिकल सर्विसेज कहां कैसी दी जाए उसके लिए हमने मैपिंग करवाई है सर। सर उसकी रिपोर्ट इस हफ्ते 10 दिन में आने वाली है, उन्होंने कंप्लीट कर ली। आज तक मेडिकल फैसिलिटीज डिमांड बेस्ड दी गई है, जहां पर MLO ने मांग कर ली वहां पर दे दिए, पर मैं नीड बेस्ड बनाना चाहता हूं। मैंने तो वहां पर भी मेडिकल सर्विस देनी है जहां मेरा MLA नहीं है, मैंने वहां पर भी देनी है। इसलिए नीड बेस्ड मेडिकल सर्विसेज हम दे पाए, इसके लिए मैंने मैपिंग करवाई है। और ये सारे देश में पहला ये प्रदेश है, सेंटर ने भी इस पे ऊपर बात की है, अवलोकन किया है, और हम उसके मुताबिक वो बताएंगे कहाँ PHC बनानी है, कहाँ कितने बेड का अस्पताल बनवाना है, कहाँ कौन सा इक्विपमेंट देना है। हमने एजेंसी की रिपोर्ट हमारे पास आने वाली है। जहां तक इन्होंने स्पेशलिस्ट की, मैं जल्दी ही स्पेशलिस्ट डॉक्टर जहां पर जिस अस्पताल जिस PHC में जितने जितनों की जरूरत होगी उनकी भर्ती में सैनी सब अलग से करा करूंगा, मैंने इसकी व्यवस्था कर दी। धन्यवाद 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 जी। मैंने वो हो गया प्रश्न पूछा था आपसे, वो बाकी तो आपने सारा कुछ बताया है, ठीक, अच्छी बात आपकी, लेकिन जो मैंने पूछा था कि परसेंटेज कहाँ तक गई है, जैसे कि 65% तक लिए हैं जो पेपर लिया था आपने, या 55 तक लिए हैं, या 50 तक लिए हैं, ये मैं जानना चाह रहा था। ये अब ये सेपरेट बात है, अब तो हमारे अध्यक्ष महोदय बहुत विशाल हृदय हैं, उन्होंने हर MLA को वैसे भी क्वेश्चन पूछने की इजाजत दे दी है, आप पूछ लेना, मैं आपको पूरी डिटेल दे दूंगा। माननीय